आपका स्वागत है सबसे पहले कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है 07 टीम का, जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, वो लड़के जेल में चले गए, तो आप एक सोशल वर्कर हैं बहुत बड़ी, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है, तो क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे को लेकर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस लायक समझा कि मैं इस मुद्दे पे जो है बात करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन युवकों के साथ में मैं हूं, अब किसी शिवसेना के कार्यकर्ता ने इन लोगों के ऊपर केस बनाया, तो सिर्फ यही बच्चे क्यों? इन्होंने सच का साथ दिया और सच के लिए आवाज उठाई, मतलब जो सच के लिए आवाज उठाएगा तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होने का, ये हमारी गवर्नमेंट ने सीख लिया है। ये हमारी गवर्नमेंट का मोनोपोली हो गई है कि जो सच का साथ देगा और सच के लिए आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर FIR दर्ज होना ये लाजमी हो गया है। वो शिवसेना कार्यकर्ता को मैं चेतावनी देती हूँ कि अब मैं तुम्हारे ऊपर कार्यक्रम करूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करूंगी कि तुमने मासूम बच्चों को जेल दिखाई, उनको भी क्रिमिनल बनाने की तुम कोशिश कर रहे हो, अच्छे बच्चों को बिगाड़ने की तुम कोशिश कर रहे हो, देश का भविष्य तुम बिगाड़ रहे हो। उन्होंने जो कहा सत्य कहा कि तुम किसी के बाप को मरवा देते हो मोबलिजिंग के नाम पे, तो उनके बच्चे वो कैसे पलेंगे और वो क्या बनेंगे? वो तो अपने बाप की मौत का बदला तो लेंगे। अब मेरी बिल्ली को कोई मार देगा तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी, मेरी बिल्ली को, जिनी को, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो उसके तो बाप को मारा तो बच्चे कहां से छोड़ेंगे? अब तुम्हारा मर्डर कोई कर देगा, तुम्हारे बच्चे छोड़ेंगे क्या? तो वो बच्चों के जो मन में आया वो सही बात आई, उन्होंने वही किया। उनका क्या अकाउंट होता है वो 07 तो ये बच्चे वाले टिकटॉक तुमने बंद किया, बैंड किया, ठीक है, इतना तक ठीक था। उनको अरेस्ट किया और 143 की धारा लगाई उनके ऊपर, उनको अभी जेल का स्टडी मिली है। तो वो बच्चे बिगड़ के बाहर निकल के क्या बनेंगे, क्या है देश का भविष्य, क्या है? उनके इतने फॉलोअर्स थे, मतलब वो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा दिख रहे थे, अच्छा कर रहे थे, तो इसलिए इतने फॉलोअर्स हुए। तबरेज को मारा क्यों? तबरेज किसी की बाप की प्रॉपर्टी था, तबरेज किसी के बाप का खा रहा था। मैं भी एक सच्चा मुसलमान हूं, मेरे सामने किसी को मार के बताओ, मैं कानून का पूरा पालन करती हूँ। मेरा जब तक का मुंबई इंटरिम नहीं मिला था, जब तक मैं मुंबई के बाहर बाइज्जत थी, अब मैं मुंबई के अंदर हूँ। कल मेरा परमानेंट मुंबई इंटरिम पास हुआ, मेरे दुश्मनों के मुंह पे लाफा पड़ा, आज मैं मुंबई के अंदर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खुदा ने मेरा साथ दिया। बस इतना ही कहूँगी कि नहीं, अभी एक टीवी डिबेट में एजाज खान जी ने बोला, एक इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि वो लोग एक आर्टिस्ट थे। हाँ, मुझे तो फोन पास करना। एक आर्टिस्ट थे और उनका काम था, तो कोई ऐसे टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता कोई एक आर्टिस्ट, करेक्ट। तो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? एजाज, आज मेरा भाई, आप अपने दोनों कानों को खोल के सुनिए, एजाज खान को बोल रही हूँ मैं। अब तक तुम मेरे भाई जैसे थे, मैं तुम्हारी बहन जैसी थी, करेक्ट। आज से मैं तुम्हारी बहन क्यों पता है? ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये कौन है? रूबिका लियाकत वर्सेस एजाज खान, जो ये फाइट चली, ये मैंने देखा। तुम इससे पूछ रही हो रूबिका कि कुरान शरीफ, कुरान के कुरान में कितनी, प्ले होने दो इसको, मुसलमानों से बच रहा है, अभी छोड़िए, ये बताइए, ये बोलिए, इजाज़ खान मुसलमान की कंट्री में आप ये बनना है, हिंदू काम करते हैं, पूरी दुनिया को मुसलमानों से हराम करना है, फर्क रख देना है। इजाज़ खान मुझे ये बताइए, कुरान अखलाक की बात करता है, सबको बनना है एक दिन, कुरान रिश्तों की बात करता है, कुरान धमकाने की बात नहीं करता है, बदतमीजी की बात नहीं करता है, औरतों की बेइज्जती की बात नहीं करता है, कुरान के बारे में आप जानते क्या है? किसी महिला के बारे में इस तरीके की बातें शोभा देती है आपको? आप देखिए क्या महिला
रूबी की एक डिबेट का वीडियो है ये जो आप दिखा रही हैं। ये रूबी का मैं आपको बताती हूँ कुरान में कितनी आयतें हैं। देखो मैं कुरान हिफ्ज कर रही हूँ, मैं मेरी कुरान शरीफ आपको दिखाती हूँ। रूबिका कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। अब तू मुझे बता, मैं तुझसे तू से ही बात करूंगी क्योंकि तू जितना चिल्ला रही है ना इससे तो पता चलता है कि तू बीजेपी की है। ठीक है, कुरान में सजदे कितने हैं बता, कुरान में सजदे कितने हैं बता। तुझे पता है तूने क्या बोला, जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? अरे तुझे तो अपनी कौम से खारिज करवाना चाहिए। तुझे पता है तीसरे पारे में पढ़, ठीक से पढ़, के अल्लाह को गॉड बुलाना तक का गुनाह है। अल्लाह ताला को सिर्फ अल्लाह ही बुलाना है, गॉड तक का नहीं बुलाना है। उनके मर्तबे को किसी के बराबरी का मर्तबा नहीं देना है। तो तू बज़ात कहती है कि जय श्री राम क्यों नहीं बोलना है, तो तू एक काम करना, जितने जय श्री राम बोलते हैं उनको अल्लाह अकबर बोलना सिखा दे। इतना ही है तो मुझे बता, मॉब लिंचिंग के मामले में सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों काटा जाता है, क्यों नहीं किसी हिंदू को काटा जाता है, क्यों नहीं काटा जाता है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, मुगल सल्तनत से लेकर वो टीपू सुल्तान की सल्तनत तक का। हमारे देश में जितना खून मुसलमानों का बहा है, चलो बहा होगा हिंदुओं का भी, लेकिन इस देश में हमारी पैदाइश, हमारे माँ बाप की पैदाइश, हमारे दादा दादी की पैदाइश, हमारे कुंबे की पैदाइश यहाँ की है। तो तू कैसे बोलती है कि हम जय श्री राम बोलें? हम दिल से बोल देंगे, हमारे दिल में आया, हम मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है, हम हमारे दिल से बोल देंगे, लेकिन जबरदस्ती बोल के बुलवाओगे तो हाथों की नहीं जूतों की खाओगे। तू तो बीजेपी की है, मेरे को तो कहीं ना कहीं आप एजाज खान का सपोर्ट कर रही हैं आप। बिल्कुल मेरा भाई है, हम मुसलमानों की यूनिटी तुमको बताएगी, हमारी एकता तुमको बताएगी कि हम क्या हैं। उंगलियां बिखरी हुई है ना, अब हम उसको मजबूत बनाएंगे। तो ये जो मॉम लिंचिंग का इतना मामला हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं किसकी इसमें मिस्टेक मानती हैं आप? अरे कमान, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, आरएसएस ने हमारे महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा था, उनका मर्डर किया था, आरएसएस बैठी है अपनी। अभी आप नया दल सुनते हैं, गौरक्षक दल, हाँ गौरक्षक दल सुनते हैं आप, बीजेपी का जो सोशल वर्कर दल है, ऐसा दल तो हमने कांग्रेस का भी नहीं सुना था। कांग्रेस जिसने इतने साल राज किया हिंदुस्तान पे, आपने कांग्रेस का ऐसा कोई दल सुना था क्या? या किसी और पार्टी के ऐसा दल बता दो कि वो तोड़फोड़ वाला दल हो। राज ठाकरे एक अच्छा नेता है, राज ठाकरे एक अच्छा नेता है, उनकी टीम जो है तोड़फोड़ वाली टीम है, जहाँ पे बोला मुंबई बंद है, महाराष्ट्र बंद है, तो तोड़फोड़ करती है। लेकिन एक मुद्दा होता है, एक मुद्दा होता है, उनकी पूरी टीम में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है पूरी टीम में कि उन्होंने एक अलग से दल बनवाया है, वो दल जाके किसी की माँ बहन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता उनकी दल, उनकी पॉलिटिकल टीम में। बीजेपी की अलग एक दल होता है, एक युवा दल होता है, एक फलाना दल होता है, एक डिमका दल होता है, और ये आरएसएस वालों का एक लहसुन होता है, एक अदरक होता है, एक आम का अचार होता है। मतलब यू वोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन इन इंडिया एंड वेयर यू कैन फाइंड द वोटर्स आर जस्ट चूतिया मैन। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप, पूरे वोटर हिंदुस्तान के जितने भी जनता है, हाँ, वोट करती है कहीं। अगर पूरे हिंदुस्तान की जनता बीजेपी को ही वोट करती है, अगर सचमुच सिर्फ बीजेपी को ही वोट जा रहा है, बीजेपी ही जीत रही है, तो फिर जरूरत क्या है वोटिंग करने की यार? सिंपल सिंपल बीजेपी को विनिंग बोल देने का ना, सीधा ही सीधा कि बीजेपी विनर है, कशाला करायचा वोटिंग इलेक्शन, सगळ्यांना त्रास, सगळ्यांना पैसे पण खर्च जाते काँग्रेस आणि केवढी केवढी पार्टी आहे, समाजवादी पार्टी आहे, काय पार्टी असं नाम बोल बाबा, समाजवादी
बहुजन है, कांग्रेस है, बहुत सारी है, बहुत एनसीपी सारी एनसीपी है, शिवसेना शिवसेना है, मन से पढ़ा है। मेरा पॉलिटिक्स में एबीसीडी भी नहीं आता है मेरे को, मैं इतना ही जानती हूँ। मैंने तो सिर्फ आवाज़ उठाई थी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, जेल यात्रा करा दिया यार सोशल वर्कर को। अब प्रूफ करना चाहते, दाऊद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरे, दाऊद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं अब इन सारे मुद्दों को देखते हुए फ्यूचर में कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप भी राजनीति में आएंगे? अरे लोग कभी आने नहीं देंगे, राजनीति का नाम लूंगी तो फिर मेरे को किसी केस में बोलेंगे मैंने 353 किया। अच्छा 353 किया मतलब तो वो ऑफिसर में इतना दम नहीं है कि वो खुद केस बनाए मेरे पर? कोई ना कोई सोशल वर्कर पैदा होता है, पटांग करके पैदा होता है नया सोशल वर्कर मार्केट में, जो कभी था ही नहीं, ऐसा नाम हमने सुना ही नहीं। वो सोशल वर्कर आता है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का दलाल रहता है, वो आता है, वो एफआईआर बनाता है। अच्छा वो भी कभी की रहती है मालूम है, 6 महीना पहले कुछ हुआ था, 1 साल पहले कुछ हुआ था, जिसका वीडियो है वीडियो उठाए अपनी गांड मराए और सामने आए और बनाया है लोगों ने केस। पुलिस क्या बोलती है, हम जगह पे बैठे हैं, जिसकी कंप्लेंट है आओ दो, हम कंप्लेंट देते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होती है आरोपी को अरेस्ट करने के बाद में, तो कोर्ट में साबित होगा गुनाह किया कि नहीं किया। लड़की ने बोला रेप किया, तो मेरे पे पॉस्को लगाया, मतलब मैंने किसी का रेप किया। पॉस्को मक्का मतलब होता है छोटे बच्चे का रेप करना, है ना? तो मैं आ गई हूँ मेरी जगह पे, मुझे नोटिस भेजो, मैं कोई राह पे चलने वाला टॉम डिक एंड हैरी नहीं, नोटिस भेजो, मैं पुलिस स्टेशन आऊँगी, आपको क्लेरिफाई करने स्टेटमेंट दूंगी, जिस बच्चे के ऊपर से पॉस को लगाया है उसकी माँ आएगी सामने एफिडेविट के साथ में, विद ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, तुम्हारे शक को दूर करने के लिए। फिर हम कोर्ट में खड़े होंगे, आइए आप आर्ग्यूमेंट के लिए, हम कोर्ट में केस इमीडिएट खड़ा करेंगे, किसी ने 385 का केस बनाया, बुलाओ उसको भी, क्या प्रूव है उसके पास में, आ जाओ आप, आ जाओ। सबको क्या है ना, मुझे नोटिस भेज के ही काम करना पड़ेगा ना, बहुत हो गया मेरे साथ में गिल्ली डंडा का खेल। तो इतनी अड़चने आती हैं आपको, आपके वर्क में परेशानी नहीं होती है? परेशान अरे भाई, मेरी माँ तो बोलती है बेटा तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि तू हमें सलाखों के उस तरफ मिले। आज तक ये मेरा, मेरी चेयर है, ये मेरा टेबल है, मैंने लोगों को वहाँ बैठते हुए देखा है, मेरे सामने अपनी तकलीफ बताते हुए, और इस 14 साल के करियर में अल्लाह अकबर किसी ने ऐसी उंगली नहीं उठाई, और अभी भी ढूंढ के ला के एक बंदा मेरे सामने खड़ा कर दो कि हाँ भाई इसको तकलीफ है मेरे से। एक औरत ने कुरान उठाने की खाली बात की, उसने बोला था कि वो मुझे मारेगी करके, ये अल्लाह मुसब्बिबिल अस्बाब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह से बड़ा बादशाह कोई नहीं है, उसने कल कहा और मैंने उसको आज मार दिया, सिर्फ एक ही फटके में मुंह फूट गया, फिर 4 घंटे जमीन पे पुलिस वालों ने लॉकअप में बैठा के रखा उसे, अल्लाह इज्जत देने वाला। खैर इतना ही कहूँगी, दोस्त हो या दुश्मन, अगर आप एक बार मुझसे कोई बात प्यार से कह देते हो, ये मेरी बहनों का कहना है कि मैं इतनी नरम दिल हूँ कि कोई मुझसे एक बार माफ़ी मांगता तो मैं माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुदा की राह में लेके जा रही हूँ, मैं मेरी कब्र में उजाला लेके जाऊँगी, इतना मुझे यकीन है। 42 लड़कियों की शादी मैंने करवाई, अगर मेरी औकात रही, मेरी हिम्मत रही, तो 42 क्या, 4200 लड़कियों की शादी करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला, ये वादा है मेरा हिंदुस्तान की आवाम से। ओके थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद।